स्वागत है आपका, राम राम आप दोनों को बहुत स्वागत है मंच पर। तो नवीन हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जो धर्मेंद्र लोधी साहब और आलोक चतुर्वेदी जी से ये डबल फायर शुरू करेंगे IBS 24 जन संवाद बुंदेलखंड में। सबसे पहले मंच पर हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। मैं अपने सहयोगी विजेंद्र पांडे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुष्पगुच्छ के साथ हमारे दोनों अतिथियों का यह मंच पर स्वागत कीजिए। धर्मेंद्र लोधी साहब और आलोक चतुर्वेदी जी, आप दोनों का मंच के ऊपर स्वागत है। नवीन, आप सत्र की शुरुआत करें, सेशन की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद पुनीत। मध्य प्रदेश में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस बीजेपी पूरा जोर लगा रही है सत्ता में वापसी करने के लिए। कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट होकर मैदान पर नजर आने लगे हैं और इस बीच बीजेपी भी पूरी सीनियर लीडरशिप मैदान में है। बीजेपी की कोशिश है कि गुड गवर्नेंस के जरिए, जो मध्य प्रदेश में 18 सालों तक भाजपा की सरकार रही है या अभी मौजूदा जो सरकार है, इसके गवर्नेंस के जरिए सत्ता में वापसी की जाए। हालांकि बीजेपी के सामने चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं, उतनी ही चुनौतियां कांग्रेस के सामने भी है, लेकिन इस बार के चुनाव की तस्वीर थोड़ी जुदा है। महत्वपूर्ण सेशन है हमारा। पहले मैं मेहमानों से आपको मुखातिब करा दूं। आलोक चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के सीनियर MLA हैं। धर्मेंद्र लोधी जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं। दोनों से चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो सबसे खास विशेष अंचल है बुंदेलखंड, उसमें बुंदेलखंड में क्या राजनीतिक तस्वीर है। मैं शुरुआत आलोक चतुर्वेदी जी से करना चाहता हूं। सर, बड़े दिनों बाद कांग्रेस एकजुट लग रही है, ये विपक्षी भी मानते हैं और कांग्रेस पार्टी के भीतर के लोग तो ये मानते ही हैं कि बड़े दिनों बाद, बड़े अरसे बाद कांग्रेस एक साथ एक फ्रंट पर नजर आ रही है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये तो 13 में जवाब आपको मिल गया था कि कांग्रेस एकजुट थी और 13 के चुनाव के जो परिणाम, सॉरी 18 के चुनाव के जो परिणाम आए थे वो आपके सामने थे। कांग्रेस की सरकार बनी थी, किन परिस्थितियों में, किन कारणों से सरकार बदल गई, वो जब बखान करने का आएगा तो उसका भी बखान कर दिया जाएगा। उस समय कांग्रेस एकजुट थी, आज कांग्रेस एकजुट है और हम पुनः सरकार बन, मध्य प्रदेश की सरकार में काबिज होने जाएंगे। ईमानदारी के साथ हम लोग, अपना पार्टी हमारी एकजुटता के साथ काम करेगी, हम लोग तैयार हैं। आलोक जी, ये कैसे मान रहे हैं आपकी पार्टी एकजुट है, आपको कैसे लग रहा है? अभी आप ही कह रहे हैं हाँ कि वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है। नहीं, ये फीडबैक मिल रहा है, लेकिन आप, मैंने बोला ना, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं पूरा इत्तेफाक रखता हाँ। हूँ हमारे, चाहे वरिष्ठ नेता हों, चाहे जिलों के संगठन हों, जहाँ भी आप देखेंगे कांग्रेस एकजुट है और एकजुटता के साथ ही हम चुनाव लड़ेंगे और पिछले 18 के परिणामों से बेहतर परिणाम हमारे इस वर्ष के जो आगामी चुनाव हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है लेकिन मैं बाद में आता हूँ, पहले धर्मेंद्र जी के पास चलता हूँ। धर्मेंद्र जी, आप बताइए बीजेपी क्यों इतनी टूटी टूटी नजर आ रही है, आप बोलिए, फिर इसके बाद आप इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे। ये मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी टूटी टूटी नजर आ रही है। दीपक जोशी आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है। दीपक जोशी उदाहरण हो सकते हैं, उनकी अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो व्यक्ति पर आधारित नहीं है। हम देश, समाज और राष्ट्र की बात करने वाली पार्टी हैं। हमारे लिए देश पहले है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद व्यक्ति है। ये सिद्धांत को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो मुझे तो कहीं नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी टूटी टूटी नजर आ रही है। मुझे तो ये लगता है ऐसा नहीं लगता, परिस्थितियों में कांग्रेस का कोई भविष्य मुझे दिखता नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास ना ऐसे कोई मुद्दे हैं, ना ऐसी कोई बात है जिसके आधार पर लोग कांग्रेस को वोट दें। भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के बीच जाके काम कर रही, इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सशक्त है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि 2018 में जो कांग्रेस की स्थिति थी, सिंधिया जी का एक गुट था, दिव्य सिंह जी का एक गुट था, एक गुट अलग था, और कुछ ऐसी ही स्थिति या ऐसे ही कुछ हालात बीजेपी के लिए बन रहे हैं, बीजेपी में बन रहे हैं, जो कि बीजेपी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस बार बार ये कहती है कि बीजेपी में कई सारे गुट हो गए हैं, शिवराज गुट, महाराज गुट, नाराज गुट,
ये इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि ये जो गुटबाजी का ये चलता रहता है, ये मुझे लगता है केवल ऊपर मीडिया में चलता रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो है वो संगठन के आधार पर काम करने वाली ये पार्टी है। संगठन का निर्णय ही यहाँ सर्वोपरि होता है, यहाँ व्यक्ति की गुटबाजी का ज़्यादा महत्व तो नहीं है। ये गुटबाजी केवल कांग्रेस में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ नेता बड़ा होता है, बिल्कुल, और हमारी भारतीय जनता पार्टी में संगठन बड़ा होता है, इसलिए ये पार्टी आगे जा रही है। आलोक जी, कुछ जवाब देना चाहेंगे? गुटबाजी आपके इधर है। देखिए, लोधी जी जो कहें वो सुनना ही है। नहीं, ऐसा क्यों? गुटबाजी जहाँ है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। कांग्रेस की आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, आप स्पष्ट है या नहीं? नहीं, आप कह रहे हैं कि दिखाई दे रही है, और मैं उसको नकार रहा हूं कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, ठीक है, ये आप स्पष्ट सामने है। भारतीय जनता पार्टी की आज जो वर्तमान परिस्थिति है और स्थिति है, वो भी आप देख रहे हैं कि दीपक जोशी जैसे, जो किसी जमाने में कैलाश जोशी जो वटवृक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके पुत्र कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक ही नाम से ये स्पष्ट होता है कि भाजपा की स्थिति क्या है, और भाजपा में बिखराव नहीं होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। भाजपा में बिखराव है। लोधी जी कह रहे हैं साथ ही साथ कि हमारे यहाँ संगठन काम करता है। संगठन किसके यहाँ काम नहीं करता है? संगठन कांग्रेस में भी काम करता है, आपके यहाँ भी काम करता है, लेकिन नेताओं की स्थिति क्या है वो देखने की बात है। और आज के समय पे भाजपा में गुटबाजी जो बढ़ी हुई है वो कांग्रेस में कहीं नहीं है। ठीक है, एक बड़ा सवाल ये है, और बहुत सारे दर्शक भी हमारे जानना चाहते हैं, और मध्य प्रदेश में जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या जो भविष्य की सरकार देख रहे हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं आप दोनों ही दलों से कि कांग्रेस पार्टी में सीएम का फेस कौन होगा और भारतीय जनता पार्टी में सीएम का फेस कौन होगा। कमलनाथ जी सीएम के फेस होंगे, ये लगभग बात साफ हो चुकी है। आलोक जी, ये बात लगभग साफ हो चुकी है, ये भी जानकारी मिली कि राहुल गांधी ने जो एक बैठक ली थी वहाँ पर लगभग 20-22 नेताओं ने उनके नाम पर सहमति दे दी, लेकिन गोविंद सिंह जी का एक बयान आता है और उस पर फिर सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान आता है। नहीं, आपकी जानकारी शायद मुझे नहीं लगता है कि क्या है, नहीं दुरुस्त कर दीजिए। एक्चुअल में जो राहुल गांधी जी के यहाँ बैठक हुई थी, इस तरह से नेता चुनने की कोई बैठक नहीं हुई थी। राहुल गांधी जी के यहाँ जो बैठक हुई थी उसमें बड़े जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनके साथ में आगामी रणनीति के लेके बैठक हुई थी। और रहा सवाल नेता का, तो कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक पद्धति से पिछली बार भी हम जब विधायक सब लोग चुन के गए थे तो हमारे यहाँ विधायकों ने नेता अपना चुना था। चुनाव के उपरांत जब विधायक दल गठित होगा और विधायक दल में जिसको नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ बनेगा। लोधी जी, आपका बीजेपी का क्या सीन है? हमारे यहाँ तो भाई अभी शिवराज जी सर्वमान्य राजनेता हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो कृतित्व है, और भारतीय जनता पार्टी में तो ये तय हो चुका है कि शिवराज जी के नेतृत्व नहीं, लेकिन महत्वाकांक्षा तो बीजेपी में भी बहुत सारे नेताओं की है। वरिष्ठता भी उनका आधार है, जो चाहत है, जो महत्वाकांक्षा है, उसका ग्राउंड भी यह है कि हम भी इतने वरिष्ठ हैं इतने सालों से। यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी में महत्वाकांक्षा का कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो संगठन तय करता है कि कौन बनेगा, और जिसको संगठन ताज पहनाता है उसके साथ सब चलते हैं। यहाँ गुटबाजी का तो कोई सवाल नहीं, गुटबाजी तो कांग्रेस में होती है कि सिंधिया जी का चेहरा दिखाया और कमलनाथ को बना दिया जी, उसके सिंधिया जी के चेहरे पे वोट ले ली, कमलनाथ को बना दिया, ये कांग्रेस में चलता है, हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। हमारी भारतीय जनता पार्टी में तो शिवराज जी का चेहरा है और उसी के चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतेगी, ये भी हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं। आपको किसने रोका है? अब ज्योतिरादित्य आपके पास पहुंच गए हैं, आप मुख्यमंत्री बना दो, किसने रोका है? हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है। रहा सवाल, देखिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, शिवराज सिंह जी को आप नेता बता रहे हैं लेकिन लाइन में पीछे कई लगे हुए हैं। रोज बात आती है कि अब शिवराज सिंह जी को बदला जाएगा या वीडी शर्मा जी को बदला जाएगा या किसको बनाया जाएगा, ये आप भी रोज दो चार हो रहे हैं, हम लोग भी रोज खबरों में सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं।
यहाँ अभी बड़ी भड़फड़ाहट है, छटपटाहट है, भारतीय जनता पार्टी में ये तय नहीं हो पा रहा है कि हम किसको कंटिन्यू करें। इन परिस्थितियों में ये देखना होगा कि भविष्य में आगामी जो चुनाव होना हमारे यहाँ तय है कि हम लोग, कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कमलनाथ जी ही कांग्रेस पार्टी को मतलब आगे बढ़ा के उनके नेतृत्व में कह लें या उनके वरिष्ठ कांग्रेसी के नाते उनके साथ ही आगे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। रहा सवाल मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री जब विधायक चुन जाएंगे उसके बाद वो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो मुख्यमंत्री का चयन होगा हमारा मुख्यमंत्री वो। लोधी जी, आपने कहा कि हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे, अब की बार 200 पार का नारा दिया है आप लोगों ने, 2018 में भी यही नारा दिया था लेकिन उस समय नतीजे उल्टे आए थे, इस बार क्या अंदाज़ा है? 2018 की परिस्थिति और अभी की परिस्थिति में अंतर है। 2018 में जनता जो है कांग्रेस के झूठे वादों के जाल में फंस गई थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपये तक का हम कर्जा माफ़ करेंगे। मुझे तो याद है कि राहुल बाबा एक सभा में आए थे और उन्होंने ऐसी उंगलियाँ गिना के कहा था कि हमारी सरकार बनवाओ, 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ़ करेंगे। 1, 2, 3, 4 करके उन्होंने 10 गिनती गिनाई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बात और कही थी कि 10 दिन के अंदर अगर कर्जा माफ़ नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। 15 महीने सरकार चली, 15 महीने में 450 दिन होते हैं, 45 मुख्यमंत्री उनको बदल देना चाहिए थे, लेकिन भोला भाला किसान इनकी इनके इस चक्कर में आ गया कि हमारा कर्जा माफ। जवाब ले लेता हूं आलोक जी, आलोक जी इनका जवाब दीजिए। देखिए, साथी हमारे विधायक हैं, इनको भी पूरी प्रक्रियाएं मालूम हैं। 10 दिन की बात कही थी लेकिन जैसे ही माननीय कमलनाथ जी ने शपथ ली उसके बाद सीधे आके कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने सबसे पहले कर्जा माफी की फाइल पर दस्तखत किए थे और वहां निर्णय हो चुका था। किसी भी प्रक्रिया में समय लगता है। मैं पंचन भैया से पूछना चाहता हूं कि आप एक बार एक किसान का बता दो जिसका 2 लाख रुपए तक का कर्जा आपने माफ किया हो 15 महीने में। एक किसान नहीं बता पाओगे आप पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। केवल किसान को छलने का काम हमारे कांग्रेस के लोगों ने किया है, इसलिए किसान की आह लगी और कांग्रेस की सरकार औंधे मोह गिरी है। धर्मेंद्र भाई बहुत अच्छी बात कही है। आपके मंत्री कमल पटेल जी ने विधानसभा के फ्लोर के ऊपर स्वीकारा है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये विधानसभा के अंदर के प्रमाण है। तो ये लिखित में जवाब आया है। मैं तो यहाँ आपसे कहता हूँ कि एक किसान का आप नाम बताओ जिसका 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ। मैं पूरी बात कर लूँ, आपके पास नाम नहीं है साहब। दिल को बहलाने का गालिब कहना अच्छा है। लोधी जी सुन लीजिए, देखिए जो आप 2 लाख की बात कर रहे हैं, आप भी विधायक हैं, आपको भी मालूम है कि 3 फेसेस में कर्जे माफ होने थे। पहले 50,000 का, उसके बाद 1 लाख का, उसके बाद 2 लाख का कर्जा माफ होना था और उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था। 1 लाख तक के कर्जे माफ किए जा चुके थे और बाकी 2 लाख तक के जो कर्जे मैं आपको बीच में नहीं टोक रहा हूं, मुझे पूरी बात करने दीजिए। जब आपके विधानसभा में मंत्री के द्वारा यह स्वीकारा जाता है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, अगर हम 50,000 या 1 लाख वालों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो 2 लाख वालों का भी कर्जा माफ होता। अगर आप सरकार की खरीद फरोख्त न करते, विधायकों को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप पैसे के दम पर, पैसे के बल पर लेके वहां खरीद फरोख्त करके सरकार न गिराते। दूसरी बात, किसानों की जो आज दुर्दशा की बात कहें, आप किसानों के लिए क्या हित की बात कर रहे हैं? कमलनाथ जी ने तो किसानों का कर्जा माफ किया, आप किसानों के कर्जा माफ करने की जगह आज उनका ब्याज माफ करने की बात करते हैं। आप आज उपार्जन का पैसा नहीं दे पा रहे हैं किसानों का, आप उनको खाद बीज नहीं दे पा रहे हैं, आप उनकी मुआवजा नहीं दे पाते हैं। आप किसानों के हित की बात कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं। आपको मौका मिलेगा आप बोलिए ना। आप किसान की बात करते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और किसानों के हित में ये काम हो रहा है, आप किस तरफ से किसानों की बात करते हैं? आपको कांग्रेस पार्टी पहले भी
किसानों के हित में काम किया है। आगे भी हम कहते हैं कांग्रेस की सरकार जो आगे बनने जा रही है, कमलनाथ जी ने स्पष्ट किया है कि जो शेष कर्जे रह गए हैं हम उनको माफ करेंगे, ये हमारा वादा है। आलोक जी, मैं अब मैं इस बात पे जरूर जवाब देना चाहूंगा। अभी बस एक किसान की ये वादा है कि जो 2020 के आदरणीय छूट गए थे किसान की उनके कर्जे वापस माफ होंगे। इनने किसान की बात कही है, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे को भी बोल लेने दो साहब। चलिए आप बोलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये किसान की बात कर रहे हैं, मुझे सुनो, आज कांग्रेस को किसान याद आ रहे हैं, आज चुनाव आ गया तो कांग्रेस को किसान याद आ रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो ये लोग 18% ब्याज दर पर किसानों को कर्जा देते थे। एक शिवराज सिंह चौहान किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना, 18% ब्याज दर को घटा के किया 9%, 9 से किया 5%, 5 से किया 3%, 3 से किया 1%। फिर शिवराज जी ने सोचा कि किसान का कर्जदार तो सारा हिंदुस्तान, इनसे क्या ब्याज लेना, बिना ब्याज के ही कर्ज दे दो, तो 0% ब्याज दर पर अगर किसी ने कर्ज देना शुरू किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया। किस कृषि की विकास दर कांग्रेस के शासनकाल में 3% हुआ करती थी तो ये लोग अपनी पीठ थपथपा लिया करते थे कि वाह रे हम। और मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कृषि की विकास दर विगत जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 20% से ऊपर है, और 5-6 बार कृषि कर्मण अवार्ड, जो सर्वोच्च अवार्ड होता है खेती का, कृषि का, वो सर्वोच्च अवार्ड हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने प्राप्त किया है। हम गौरव के साथ कहते हैं कि हम किसान हितैषी सरकार है, और खेती को फायदे का धंधा बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। समय कम है, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आप माननीय साथी सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि 0% क्या होता है। ये 0% क्या होता है माननीय साथी को भी नहीं पता होगा। सवाल इस बात का है, मैं प्रश्न वो कर रहा हूं कि आप अगर इतने ही किसानों के हितैषी थे, माननीय शिवराज सिंह जी इतने हितैषी हैं, तो ऋण माफी करते ना, ब्याज माफ करने का कौन सा आपने ये सिगुफा छोड़ दिया है। इसका भी मैं जवाब देना चाहता आप हूं। आप 0% की बात इसका करते हो, जवाब देना चाहता अरे हूं। आप देना जवाब तो मेरे सवाल रह जाएंगे, आप लोग एक दूसरे का सवाल जवाब करें। मैं शांत रहा आपकी बात देखिए, धर्मेंद्र भाई जब आप बोले मैं शांत रहा। आप किसानों की बात करते हो, आप अब मैं आपसे कहता हूं कि अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कितनी बार मुआवजा बट गया आपके क्षेत्र में, आप ही बता दो कितना उपार्जन का पैसा आपके किसानों को मिल गया। आप बता दो कितना मुआवजा बांटा किसी को। अरे आप बता, दिग्विजय सिंह की छोड़ दो, आप 15 साल से 18 साल से 20 साल से आप बैठे हो, हमको मालूम है। 18-20 साल का जवाब आप दोगे, 18-20 साल का जवाब आपको देना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं बात, चूंकि अपने साथी विधायक हैं और बहुत विद्वान मेरे को समझ में आ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं कि लोधी जी, आप लोग उम्र को क्यों टारगेट करते हैं? इनकी बात का जवाब देना पड़ेगा। आप ये बताइए, पब्लिक आम आदमी भी जानना चाहता है। अभी इनने बात की कि आपने ब्याज माफ क्यों किया, तो मैं बता दूं कि कमलनाथ सरकार ने कहा था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे, किसी का कर्जा माफ नहीं किया। ये बात हो गई है, ये बात हो गई। सुनो तो पहले बात तो सुनो, किसी का कर्जा माफ नहीं किया कमलनाथ जी ने, तो किसान डिफाल्टर हो गया क्योंकि उसने ब्याज नहीं चुकाया। वो इस बात में था कि कमलनाथ जी की सरकार बन गई, हमारा कर्जा माफ होगा, तो किसान डिफाल्टर हो गया, किसान को सारी सुविधाएं मिलना बंद हो गई। शिवराज जी ने सोचा कि अगर हम किसान का ब्याज माफ कर देंगे तो किसान रेगुलर हो जाएगा, उसको सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी, इसलिए हमारे शिवराज जी ने किसान के जो कर्ज ब्याज की गठरी है वो उन किसान के सिर से उतारने का काम किया। झुंझुना पकड़ाने का काम है शिवराज जी का, फिर एक नया झुंझुना पकड़ा दिया है। हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, शेष कर्जे हम फिर माफ करेंगे। मैं अपने खुल के बोलते हैं, मैं अपने साथी विधायक से पूछना चाहता हूं, मैं अपने साथी विधायक से पूछना चाहता हूं कि आप कांग्रेस की बात करते हो,
भारतीय जनता पार्टी की तो इतनी योजनाएं गरीब के हित में चल रही हैं कि मैं विधायक हूं, मैं भी नहीं गिना पाऊंगा। लेकिन आपने 60 साल राज किया, आप एक योजना बता दो जो कांग्रेस ने गरीब के हित में चलाई हो। आज हम आवास बना के दे रहे हैं गरीब के लिए, आज हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं गरीब के लिए, घर घर पानी पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। ये आप जो कह रहे हैं, इस बात का कोई जवाब नहीं है। ये तो केवल सब नाम बदल के, आप लोगों ने नाम बदल के अपने नाम से शुरू कर दी है। ये सारी योजनाएं पुरानी है, बस ये योजना कोई नहीं है। जनता, गांधी जी के जनता आने वाले चुनाव में आपको जवाब देगी। ठीक, आलोक जी, भाजपा की योजना ठप्पा लगा, आलोक जी ये गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता कि इनका 18 सालों का गवर्नेंस बहुत अच्छा है, सुशासन है, और सुशासन की वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। ये भी कह रहे हैं कि अब की बार 200 पार, आपको लगता है कि 200 पार होंगे? देखिए, आज के समय में आपने सुशासन का जो प्रश्न किया है, उस सुशासन का जहां तक सवाल आप कह रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, आज आपसे कहना चाहता हूं कि जो तानाशाही जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से आज माहौल जातियों में नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, आज जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आज जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, आज जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी हुई है, ये गुड गवर्नेंस के साइन है, ये आपके सुशासन के साइन है। आप लोकतंत्र की हत्या करके बैठे हो, आप लोग किसी को, चाहे मीडिया की हो, आज़ादी नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, कोई खुल के बोल नहीं सकता है। आप भ्रष्टाचार का आलम यह है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यालय में आप घुस के जाके देख लीजिए, आज आम आदमी परेशान है भ्रष्टाचार को लेके। आज महंगाई का वो हाल है कि चौके चूल्हे आज आम आदमी के रसोई 1100-1200 का सिलेंडर मिल रहा है, बिजली का बिल जहां 200 कमलनाथ जी की सरकार में 100 यूनिट माफ हुआ था, यहां आज 3000 और 2000 हो के। तो ये महंगाई का आलम, पेट्रोल डीजल को देखें तो 100 के पार है आज महंगाई की हालत ये है। आप दूसरी तरफ बेरोजगारी की बात करें, आज युवा हमारा दर दर भटक रहा है, उसको रोजगार, आपने एक योजना का झुंझुना फिर पकड़ा दिया, युवा उद्यमी योजना। मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे छतरपुर में वो 5 नाम बता दिए जाएं जिन्हें युवा उद्यमी योजना का लाभ मिला है। मुझे आप योजना बनाते हैं, आप योजना चलाते हैं, योजना चला लेने से या नाम उसका नामकरण कर देने से, आप तो चुनाव आया आपने एक झुंझुना फिर पकड़ा दिया, लाडली बहना। अरे 18 साल कहाँ सोते रहे, 18 साल में क्यों नहीं आपने लाडली बहना की याद आई, आपको युवा उद्यमी योजना चलाने की याद क्यों नहीं आई 18 साल में? ठीक है, ये कौन सा तरीका है? चुनाव आया, अरे आपने आज फिर वही झूठी घोषणाएं शुरू कर दी, हम छतरपुर को नगर निगम बना देंगे, मेडिकल दे देंगे, NTPC दे देंगे, आप कितनी योजनाएं गिनवाएंगे? और आप 18 साल 20 साल से हम जस के तस खड़े हैं, आपने एक टेंडर लगा दिया, फोटोकॉपी हम लोगों के पास भेज दी कि मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, ये तरीका है काम करने का? हो गया क्या? चलो बोलिए बोलिए, यहाँ माइक नहीं बंद होते हैं, सम्मान, यहाँ माइक नहीं बंद होते हैं। विधायक जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप कई मुद्दे उठा रहे हैं, और अब मेरे को, मैंने ये सवाल पूछा कि बीजेपी सुशासन पे वोट मांग रही है। धर्मन जी मेरी बात सुन लीजिए, मैंने सवाल ये पूछा है कि बीजेपी सुशासन पर वोट मांग रही है, सुशासन में बेरोजगारी, बुंदेलखंड की स्थानीय समस्याएं, पानी, बिजली, सड़क, सारी चीजें। इसी बात पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आज हमारे दमोह जिले में ही नहीं, अब तो पूरे मध्य प्रदेश में जल निगम के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अब बीच में नहीं बोलेंगे साहब, मेरे साहब मेरे को बोलने दो, अभी आपने 10 मिनट बोला, मैंने कुछ नहीं बोला साहब। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हर गरीब को हम पक्का मकान बना के दे रहे हैं, और जो रह गए हैं उनका आवास प्लस में नाम जोड़कर हर गरीब को पक्का मकान बना के देने की हम गारंटी दे रहे हैं। जी, समय हर गरीब थोड़ा के लिए जल्दी। भोजन की व्यवस्था हम कर रहे हैं, हर गरीब को मुफ्त में अनाज देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग बैठे हैं, 60 साल इनने राज किया, किसी गरीब को इनने 2 दाने मुफ्त में अनाज दिया हो तो मैं यहाँ से राजनीति छोड़ दूंगा।
ये लोग केवल बात करेंगे, ये केवल गरीब की बात करेंगे, लेकिन एक गरीब के हित में कभी बात नहीं करेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है जो अंत्योदय की बात करती है, जो सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके उदय की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसी का कारण ये रहा कि इन्होंने कभी अपनी गलती नहीं मानी। ये 300 से ऊपर सीटें इनकी लोकसभा में थी, आज घटते घटते बहुत कम रह गई हैं, और हमारी दो सीटों से हम 300 से ऊपर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने जनता पार्टी ने विजय के बोलते रहिए, आलू जी बोलते रहिए, मानने वाले इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने दमोह में ऐसा किया। मैं एक एक योजना उस जल जीवन मिशन की या समूह नल जल योजना की बताता हूँ। 1919 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मैंने छतरपुर ग्रामीण क्षेत्र की, शहर की अलग हमारे यहाँ नल जल योजना थी, मैंने 246 करोड़ की योजना अपने 125 गांव की विधानसभा क्षेत्र की मंजूर कराई। इन्होंने उसके बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई, 3 साल में टेंडर नहीं करा पाए हैं। ये काम करने की, घर घर नल पानी देने की बात करते हैं, ये किस बात की बात करते हैं कि हम इस योजना को, अरे आप टेंडर नहीं इसलिए लगाते हैं, आपके मन की गुजरात की कंपनी नहीं आ पाती है तो आप इस जल जीवन मिशन को चलाते नहीं है। पूरे जल जीवन मिशन में गुजरात की कंपनियां पाइप से लेकर सारे काम कर रही है और इसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। इसकी जांच होगी, कांग्रेस की सरकार बनने पर इसकी पूरी जांच होगी। देखिए लोधी जी, कुछ गंभीर बुंदेलखंड के मुद्दे हैं, बनाने का काम भी कर सकती है, काम कोई कर नहीं सकती विकास। जी ठीक है लोधी जी, बिल्कुल बात सही। आज मोदी जी का जो संकल्प है पूरे देश में हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था, 60 साल आपका शासन रहा, आपने कोई योजना क्यों नहीं बनाई 60 साल में? आज हम लोग हमारे दमोह जिले में घर घर पानी पहुंचा है, सद्धरू योजना बनी है, 20 साल में योजना बनी है, जूड़ी साजनी योजना बनी है, तमाम योजनाएं आज दमोह में बनी है। और आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि मैं जब विधायक बना था तो विधायक बनने के बाद पानी की समस्या थी, आज घर घर हम पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो केवल कांग्रेस के लोग बरगलाने का काम करेंगे, कांग्रेस के लोग बहलाने फुसलाने का काम करेंगे, काम इनको कुछ करना नहीं। और कोई अच्छा काम करता है तो अच्छा ही देखना नहीं, उनकी केवल बुराई देखना ये कांग्रेस का काम है। ठीक है, एक बुंदेलखंड से एक बहुत जरूरी सवाल ले लेता हूं मैं। हम बरसों से देखते आ रहे हैं बुंदेलखंड में एक बड़ी समस्या पलायन की, और रोजगार ना होना बुंदेलखंड में, इस वजह से यहाँ का युवा दूसरे शहरों में जाता है। हम देखते हैं राजधानी भोपाल हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, हर जगह बुंदेलखंड का युवा वहाँ मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि बुंदेलखंड में और मध्य प्रदेश में यहाँ के बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाता? धर्मेंद्र जी, इस पर जवाब दीजिए। सरकार की योजनाएं चल रही हैं, अभी शिवराज जी ने सीखो और कमाओ योजना शुरू की है, जिसमें हम अपने युवाओं को ट्रेंड कर रहे हैं, और उन युवाओं को नौकरी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, निरंतर समृद्धि बढ़ी है, ये कुछ भी कह लें, समृद्धि निरंतर बढ़ रही है। आज रोज ट्रेनें भरी जा रही है, समृद्धि निरंतर बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और लोग सुखी हो रहे हैं, लोग समृद्ध हो रहे हैं, ये इनको दिखाई नहीं देता। कांग्रेस के शासनकाल में जो गरीबी थी उससे व्यक्ति निजात पा रहा है, ये इनको दिखाई नहीं देता। एक आखिरी सवाल दोनों लोगों से ले लेता हूं। घर में 2-व्हीलर 4-व्हीलर खड़ी हुई है, ये इनको दिखाई नहीं देता। अच्छी बात, इसके शासनकाल में अच्छी बात। एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल सर, ये इनको दिखाई नहीं देता। एक आखिरी सवाल, आप दमोह से हैं, के पास ट्रैक्टर है, सारी चीजें सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो आज सारी सुविधाएं बढ़ने का कारण, संपन्नता बढ़ने का कारण अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धर्मेंद्र जी, मैं सीना ठोक के कहता हूं कि धर्मेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, धर्मेंद्र जी एक आखिरी सवाल आपसे, काम करने वाली सरकार है। धर्मेंद्र जी एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं। आप दमोह से हैं, बुंदेलखंड में और खासकर दमोह में एक बड़ी समस्या सामने आ रही, पिछले हम 3-4 महीनों से लगातार देख रहे हैं, कन्वर्जन की, धर्मांतरण की, लव जिहाद, इन सब का बुंदेलखंड में धर्मांतरण का हेडक्वार्टर दमोह ही क्यों है? इसके बारे में भी बता दें, इसमें भी सारे कांग्रेस ही लिप्त हैं। अभी कांग्रेस का एक नेता अभी पकड़ा गया, जिसकी कमलनाथ के साथ फोटो है, वो कांग्रेस का नेता स्कूल चलाता है और बच्चियों को हिजाब पहनने को मजबूर करता है। मैं समझ गया जवाब क्या होगा फिलहाल। और ईसाई मिशनरी में IBC 24 का जनसंवाद लगातार जारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। बुंदेलखंड के स्थानीय मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की, ये समझने की कोशिश की कि बुंदेलखंड की सियासी तस्वीर क्या है। दोनों ही दलों ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं, बता दिया है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव बेहद रोमांचक होने वाले हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत,
देखते रहिए आईबीसी 24। नमस्कार।